आवाज कट एरिया आज बनाते सारा शरीर आज। एल्विश यादव और एल्विशा की कंट्रोवर्सी पर कटारिया ने तोड़ी चुप्पी, एल्विश और मनीषा के लिए कर दिया बड़ा खुलासा। एल्विश यादव ने कभी नहीं किया है मनीषा की डिसरिस्पेक्ट, तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। एक क्लिप पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इस क्लिप को आप देखिए। बोलना नहीं चाहूंगा उनके बारे में, बट कई लोग ना दोस्ती और दोस्ती से ज्यादा में ना फर्क नहीं समझते। उनके ये नहीं होता कि लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, समझ रहे हो, लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं। उनके रहता नहीं, कुछ तो है, कुछ होना चाहिए, नहीं है तो कुछ होना चाहिए, क्यों नहीं है करो। कई लोग ऐसे होते हैं इतने टॉक्सिक माइंडसेट के, और उनको वो चीज़ ना मिले तो गाली गलौज करते हैं, ये हो गया वो हो गया, इनने ऐसे करा उनने वैसे करा। बड़े हो जाओ यार, ग्रो अप भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, टाइपिंग से आगे भी जिंदगी है भाई। ये आज की क्लिप है जिसके बाद बहुत सारे एल्विशा फैंस नाराज हैं। अब कटारिया ने रिएक्ट किया है, कटारिया ने क्लियर कर दिया है कि एल्विश ये जितनी भी बातें बोल रहा है ना वो एक्स वाई जेड फैंडम के लिए है, एल्विशा वाले के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग आज एल्विश से नाराज हैं, यकीन मानिए एल्विश उस टाइप का बंदा है ना, उसको कुछ बुरा लगता है तो वो बोल देता है, वो एल्विशा से कभी परेशान नहीं है, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं है। यहाँ पर कोई और भी हैं, कुछ एल्विश फैंस हैं, कुछ बहुत सारे अलग अलग फैंडम के लोग हैं जो एल्विश को ना लगातार ट्रोल कर रहे हैं, एल्विश को किसी और के साथ भी नाम जोड़ा जा रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पहली बार नहीं हुआ है। एल्विश ने एक क्यू एन ए किया था, उस टाइम पर भी लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे, उस टाइम पर एल्विश ने नाम नहीं लिया था, और उसके बाद बोलेरो सॉन्ग का म्यूज़िक वीडियो का जो रील डाला ना एल्विश ने, उसके बाद एल्विशा फैंस क्लियर कर पाए थे। कटारिया को कटेरिया बोलना हो या फिर एल्विश ने पर्सनल वाली बातें, सारी ये बातें जो है ना वो एल्विशा फैंस के लिए ही बोली हैं। तो एल्विशा फैंस आप हर्ट मत होइए, कटारिया ने क्लियर कर दिया है कि मनीषा रानी और एल्विश की जो दोस्ती है वो अटूट है और वो हमेशा रहेगी। एल्विश कभी भी मनीषा के साथ अपनी दोस्ती, अपने रिलेशन को नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से एल्विशा फैंस को इस समय टारगेट किया जा रहा है ना कहीं एल्विशा वाले भी इमोशनल हैं, वो खुद इन बातों को गलत ले रहे हैं, हर बात उन पर थोप दी जाती है, और कई सारे लोग समझ बैठते हैं कि एल्विश हमको हर्ट कर रहा है। एल्विश कभी हर्ट नहीं करेगा, और आप यकीन मानना एल्विश को कुछ बातें बोलनी होगी ना तो सीधा आकर मुंह पर बोलेगा, नाम लेकर बोलेगा, इनडायरेक्टली परेशान नहीं करेगा। एल्विश कुछ मज़े ले रहा है, इन द नियर फ्यूचर बहुत सारे आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। कटारिया ने खुद कहा कि मनीषा और एल्विश की जो दोस्ती है ना वो बहुत अटूट है, और ये दोनों समझ सकते हैं। इवन मनीषा तो आज के डेट में आप जाकर देखना एल्विश की रील भी लाइक कर रही हैं, तो आप एक बार थोड़ा सा सेंस तो लगाइए कि क्या एल्विश कभी मनीषा के लिए बोलेगा। एल्विशा फैंस को तो खुद एल्विश ने सपोर्ट किया है और मनीषा से भी ज़्यादा सपोर्ट किया है, किसी भी फैंडम से ज़्यादा कंटेंट सिर्फ एल्विशा वालों को एल्विश ने दिया है। तो आप थोड़ा सा सेंस लगाइए, एल्विशा वाले बी पॉजिटिव और नेगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि आप लोग को ना सिर्फ और सिर्फ इस भ्रम में डाला जा रहा है कि ये जितनी भी बातें हैं नेगेटिव बातें हो तो एल्विशा के लिए हैं, पॉजिटिव बातें हो तो वो दूसरे फैंडम के लिए हैं। तो इस बात में आप भी फ़र्क समझिए, आई होप कि आप लोग इस बात को समझेंगे और बहुत जल्दी एल्विश की तरफ से भी क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा आपको। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन कटारिया के इस रिएक्शन पर, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।